आज मैं आपको दो तरह की ब्रेडेड केबल बनाना सिखाऊंगी। ये दोनों तरीके आप 6 स्टिचेस से लेकर 12 स्टिचेस तक, बल्कि इससे भी ज़्यादा पे बना सकते हैं, यानी मल्टीप्लाई बाय 3 होना चाहिए आपके कास्ट ऑन, 6, 9, 12 इस तरह आगे आप अपनी गिनती बढ़ा सकते हैं। लेकिन सिर्फ वो स्टिचेस जो 3 पे मल्टीप्लाई हो सकते हो, उन स्टिचेस के ऊपर आप ब्रेडेड केबल बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको सिखाती हूँ। मैंने आपको सिंपल केबल बनानी सिखाई है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको देख लें और सीख लें, पहले वो सीख लें। अगर आपने सिंपल केबल सीखी होगी तो ये सीखना आपके लिए आसान है। ये मैंने 13 कास्ट ऑन किए हैं, 2 राइट 2 लेफ्ट पे गार्टर स्टिच और सेंटर के 9 हमारी ब्रेडेड केबल के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो, पहले 2 गार्टर स्टिच, अगले 9 स्टॉकिनेट स्टिच। स्टॉकिनेट स्टिच मैं आपको सिखा चुकी हुई हूँ, अगर आप भूल गए हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो है उसमें जाके देख सकते हैं, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगी। आठ और ये 9, 9 हमने स्टॉकिनेट स्टिच पे बुन लिए हैं, या आप रिवर्स स्टॉकिनेट स्टिच ऐसे कह लें। ठीक है, अगले 2 गार्टर स्टिच, अब पहले 2 गार्टर स्टिच, और अगले 9 स्टॉकिनेट स्टिच, सीधी सिलाई, देखिए ऐसी शक्ल आ रही है। मैं थोड़ी सी और रोज बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने 5 रोज बुन ली हैं, बिल्कुल पहली और दूसरी रो की तरह रिपीट करते करते 5 रो हो गई। अब ये छठी रो है, इसमें हमने अपनी केबल का ट्विस्ट बनाना है। पहले 2 गार्टर, अगले 3 नेट, अब हमने केबल नीडल के ऊपर पहले अगले 3 स्टिचेस को उतार के फ्रंट पे डाल लें। ठीक है, अब बाकी के 3 नेट वाइज बुन लें। केबल के स्टिचेस लेफ्ट नीडल के ऊपर दोबारा डाल लें, और इनको भी बुन लें स्टॉकिनेट स्टिच पे। और आखिर के 2 गार्टर स्टिच। ठीक है, ये हमारी केबल का फर्स्ट ट्विस्ट है। अब बैक सेम एज फर्स्ट रो, जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई वैसे ही बनाएंगे। नेक्स्ट रो, पहले 2 गार्टर स्टिच, अब इन शुरू के 3 स्टिचेस के ऊपर हमने केबल ट्विस्ट देना है। तो इसको पहला हमारा लेफ्ट लीनिंग था, अब लेफ्ट राइट लीनिंग केबल बनेगी। ठीक है, 1, 2, 3 स्टिचेस उतार के बैक ड्रॉप कर दें, पीछे डाल दें, और अगले 3 सादे नेट वाइज बुन लें। अब इन स्टिचेस को वापस अपनी लेफ्ट केबल के ऊपर, लेफ्ट नीडल के ऊपर डाल लें।
हम इनको भी नेट वाइज बुन लें। और अगले तीन भी सादे बुन लें। आखिर के दो गार्टर स्टिच। अच्छा, राइट लेफ्ट दो लीनिंग के बाद इसकी शक्ल कुछ ऐसी आएगी, ठीक है, जो कि आपको बड़ी वियर्ड लग रही होगी शुरू में, लेकिन इसके ऊपर जैसे जैसे आप और अपनी ब्रेड बनाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि कितनी खूबसूरत शक्ल बनती जाएगी। मैं थोड़ा सा इसको और बना के फिर आपको दिखाती हूँ कि इसकी कैसी लुक है। देखेंगे, मैंने तीन केबल ड्रेस बनाए हैं, अब ब्रेड की शक्ल आप पे वाजे हो रही होगी, ये देखें। मैंने 16 कास्ट ऑन किए हैं, 12 स्टिचेस केबल ब्रेडेड केबल के और दो राइट और दो लेफ्ट पे सादे गार्टर स्टिच के। तो शुरू करते हैं। पहले दो नेट, बाकी के 12 पर्ल, क्योंकि ये फर्स्ट रो हम कंसीडर कर रहे हैं एज अ बैक रो, ये हमारी बैक रो है, ये सोच के हमने काम शुरू किया है कि हमारी फर्स्ट रो बैक साइड है। तो इस पे पहले दो मैंने गार्टर स्टिच के लिए नेट किए, अगले 12 स्टिचेस मैं पर्ल कर रही हूँ, क्योंकि फ्रंट पे मुझे इसको नेट शो करना है ना, तो आप ये समझे कि मैं स्टॉकनेट स्टिच बना रही हूँ 12 के ऊपर। अब आखिर के दो इनको मैं नेट करूँगी, क्योंकि ये दोनों गार्टर स्टिच हैं। पहले दो नेट, क्योंकि ये गार्टर स्टिच हैं, अगले 12 नेट, क्योंकि स्टॉकिनेट स्टिच है। ये देखिए, कुछ समझ आ रही होगी, पहले दो गार्टर हैं फिर स्टॉकिनेट स्टिच। आखिर के दो भी नेट होंगे क्योंकि गार्टर स्टिच है। अच्छा, अब थर्ड रो सेम एज फर्स्ट रो, जैसे मैंने फर्स्ट रो बनाई है ऐसे ही मैं सेम थर्ड रो बनाऊंगी। पहली दो रो रिपीट करते करते मैंने 5 रोज बुन ली हैं। अब ये जो नीडल में है ये छठी रो है, छठी रो पे हम पहला केबल ड्रेस बनाएंगे। पहले दो गार्टर स्टिच, अगले 4 स्टिचेस को हम केबल नीडल पे उतारेंगे, 1, 2, 3, 4। आप इनको पर्ल वाइज अपनी केबल नीडल पे उतार के फ्रंट पे ड्रॉप करते हैं, ठीक है। अब अगले 4 नेट वाइज बुन लें। अब ये वाले स्टिचेस को हमने वापस अपनी लेफ्ट नीडल के ऊपर डालना है। आप चाहें तो केबल नीडल से ही बुन सकते हैं, चाहें तो आप लेफ्ट नीडल पे वापस डाल के फिर आप बुन लें।
अगले चार सादे निट कर लें। पहला ट्विस्ट हमने लेफ्ट लीनिंग केबल ट्विस्ट बनाया है, लास्ट दो फिर निट। जो इससे अगला ट्विस्ट होगा वो हम मज़ीद छः रॉ बनाने के बाद देंगे, ठीक है। अब इसी तरह जैसे मैं प्रीवियस बुनती आई हूँ रॉस को, फर्स्ट पे नेट स्टॉकिनेट स्टिच और बैक पे पर्ल वाइज, इसी तरह बुनते हुए आपने छः रॉस कंप्लीट करनी है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट केबल ट्विस्ट हम किस तरह बनाएंगे। ये मैंने पांच रॉज और बुन ली हैं स्टॉकिनेट स्टिच सेंटर में और राइट लेफ्ट दो दो गार्टर स्टिच। अब नेक्स्ट केबल ट्विस्ट की बारी है। पहला केबल ट्विस्ट लेफ्ट लीनिंग था, नेक्स्ट केबल ट्विस्ट राइट लीनिंग होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं वो कैसे होगा। पहले चार सादे निट और चार, ठीक है। अब केबल नीडल लें और अगले चार स्टिचेस को केबल नीडल पे उतार लें, चार, ठीक है। अब इनको बैक साइड पे ड्रॉप कर दें। पहले हमने फ्रंट पे ड्रॉप किया था, अब बैक पे कर रहे हैं, ठीक है। अगले चार नेट, इन केबल पे जो हमने उतारे थे स्टिचेस, इनको हम वापस अपनी लेफ्ट नीडल के ऊपर उतार लेते हैं। ठीक है, अब इनको बुन लें। चार, ठीक है, और दो गार्टर। अच्छा, पहले बल के ऊपर जो पहले बल है हमारे, उस पर आपको इतना क्लियर नहीं होगा। जब आप इसको थोड़ा और बुनेंगे तो फिर आपके सामने शेप क्लियर होगी। मैं एक बल और बना के फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे शक्ल कैसी बनेगी इसकी। ये देखिए, ये मैंने एक और केबल ड्रेस बनाया है, इस तरह से बल आने शुरू हो गए। आप चाहें इसका फासला कम करना तो आप कम फासले पे भी बना सकते हैं। पहली मैंने छठी रॉ पे बनाई, दूसरी मैंने सातवीं रॉ पे बनाई है, तो इसलिए ये इसका आपको हिस्सा ये वाला बड़ा लग रहा है। तो आप चाहें तो इसकी रॉस कम कर लें, सिक्स्थ पे कर लें, फिफ्थ पे कर लें, वो आपके ऊपर है। लेकिन फिर बहुत ज़्यादा बीच में इकट्ठा हो जाएगा, तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप इतने फासले से, अगर बड़ी केबल है 12 की है तो आप इतनी ही फासले से बनाएं, तो उसकी खूबसूरती फिनिशिंग आएगी। दो मेथड मैंने आपको बता दी हैं, अब आप दोनों में से चाहें जिस पे भी अपना पैटर्न बना सकते हैं। आई होप ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।